हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें बात करेंगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14? ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। ओके, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन का यहाँ पर मतलब होता है, अगर हम हिंदी में इसकी मीनिंग की बात करें, एकीकरण से संबंधित लेखे करना। ठीक है, जो भी हम लेखांकन करेंगे तो वो एकीकरण के लिए होगा। मीन्स जब कभी भी दो कंपनी आपस में मर्ज होती हैं तो उसको आप अमलगमेशन बोलते हैं। ठीक है, दो कंपनी है पहले से, वो मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करेंगी, एक हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाता है, अमलगमेशन हो जाता है। तो उस अमलगमेशन के टाइम जो भी लेखांकन या अकाउंटिंग किया जाता है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिर प्रिपेयर किया जाता है, वो क्या हो जाता है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट? तो चलिए देखते हैं कि क्या है। दिस स्टैंडर्ड इज़ इफेक्टिव फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1995। ये वाला जो स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, ये स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली हुआ था वो हुआ है आपका 1 अप्रैल के टाइम, या फिर 1 अप्रैल के बाद जो भी अकाउंटिंग स्टार्ट की गई थी तो उस टाइम उसकी शुरुआती तौर पे ये अकाउंटिंग यूज़ की गई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी देखी गई, प्रभावशाली मानी गई। ठीक है, क्योंकि दो कंपनियां पहले भी मर्ज होती थी लेकिन उसके लिए अकाउंटिंग का काम नहीं किया जाता था, बाद में पता चला कि नहीं, इसके लिए भी अकाउंटिंग होनी चाहिए अमलगमेशन के टाइम भी, तो फिर ये एग्जिस्टेंस में आया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब आया और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव था वो कब हुआ, ये 1 अप्रैल 1995 से। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब कुछ वर्ड्स हैं जिसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, तो हम वो समझ लेते हैं अमलगमेशन में। द स्पेसिफिक मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन दिस डिस्क्रिप्शन आर एज फॉलोज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो है ये एक आदेशात्मक लेखांकन है, कौन सा, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अमलगमेशन का मतलब होता है विलय करना या एकीकरण करना। ठीक है, और इसके लिए जो भी हम अकाउंटिंग का काम करते हैं वो अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन होता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ पर दिया है, वो है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब बताया जो मैंने, एकीकरण करना। सपोज एक ए लिमिटेड कंपनी, एक बी लिमिटेड कंपनी है। अब ए प्लस बी, वो दोनों कंपनीज आपस में क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब एक साथ मिलकर के फिर काम करेंगी। हो सकता है कि जो पहली ए कंपनी थी उनका एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और बी कंपनी ही उनकी कंपनी को अमलगमेट कर ले, और फिर वो क्या होगी, अपना काम करेगी। ठीक है, या दोनों कंपनीज आपस में मिलकर के भी काम कर सकती हैं। ओके, होता क्या है ऐसे में कि जो कंपनी मिलती है एक कंपनी के साथ, उस कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो जिस कंपनी में मिली है उस कंपनी की हो जाती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रांसफरर की, ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है, ट्रांसफरर कंपनी वो होती है जो कंपनी जाके दूसरी कंपनी में मिलती है। एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में जाकर मिलती है तो उसको ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी होती है, ट्रांसफरी कंपनी वो होती है जिस कंपनी में वो पहली कंपनी आकर मिल चुकी है, वो ट्रांसफरी कंपनी होती है। ठीक है, रिजर्व की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिजर्व क्या होता है कि फ्यूचर के लिए आप क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व्स बनाते हैं। कुछ जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो रिजर्व के तौर पे रखा जाता है, मीन्स सेव करके रख लिया जाता है कि कल को वहाँ से जो भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से अमाउंट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फेयर वैल्यू की बात करें तो फेयर वैल्यू एक उचित मूल्य व मूल्य होता है जिस पर एक व्यक्ति कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार जो इच्छुक मूल्य होता है उस पे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, चीज़ों को बेच सकते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, फेयर वैल्यू होती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें टाइप्स ऑफ अमलगमेशन की, सो टाइप्स ऑफ अमलगमेशन दो तरह से हो सकता है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब है कि ए बी लिमिटेड दो कंपनी है। ठीक है, ए जो है वो बी के साथ मर्ज हो गई है, ए क्या हो जाएगी फिर, ट्रांसफरर कंपनी हो जाएगी, बी ट्रांसफरी कंपनी हो जाएगी, क्योंकि ए जो ट्रांसफर कंपनी है वो बी में जाकर के मर्ज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आपस में दोनों मर्ज हो जाएंगी और दोनों साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं।
जैसे कि मान लीजिए ए बी ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, जब मर्ज हो गए तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दे दिया ए बी लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब ए कंपनी और बी कंपनी दोनों साथ में मिलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट होगा वो एक ही कंपनी के तौर पर होगा, ए बी लिमिटेड कंपनी के लिए, ठीक है, नई कंपनी जो उनकी बनकर आई है। सेकेंड है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, होता क्या है कि एक ट्रांसफरी कंपनी क्या होती है, ट्रांसफरर कंपनी से उसकी जो एसेट्स होती हैं और लाइबिलिटीज़ को क्या करती है, परचेज कर लेती है, ठीक है। तो जो पहली कंपनी है जिसका वो परचेज करेगी उसकी जो एग्जिस्टेंस है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जैसे ए कंपनी है, ए कंपनी को बी कंपनी ने परचेज कर लिया, उनके सारे एसेट्स खरीद लिए, ठीक है, सब कुछ खरीद लिया, तो ऐसे में क्या होगा कि जो ए कंपनी है उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बेच दिया है ना अपने एसेट्स को, तो अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो ऐसे में क्या होगा, किस टाइप का ये आपका अमलगमेशन होगा, परचेस टाइप का होगा, ठीक है, नेचर ऑफ परचेज होगा अमलगमेशन का नेचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं किन कंडीशंस में ये मर्जर समझा जाता है और क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शामिल किया गया है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी डिटेल में, ओके। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में भी बहुत सारे होते हैं कि परचेज कंसिडरेशन कैसे दिया जाता है, इसके लिए क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस रखी जाती हैं, अगर आप कहेंगे तो इनको डिटेल में मैं समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, मुझे लगा ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है वो अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन के लिए होता है। मींस अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनी आपस में आकर मिल करके साथ में काम कर सकती हैं मर्ज होकर के, या फिर जो पहली कंपनी अपनी सारी एसेट्स दूसरी कंपनी को बेच सकती है और जो ट्रांसफरी कंपनी उनकी उनको जो भी उनकी एसेट्स है उनको परचेज करके कुछ परचेज कंसिडरेशन पे कर सकती है। तो अमलगमेशन में यही था, और ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1995 को, ओके। और जो इंपॉर्टेंट इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो यही है, अमलगमेशन, ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, फेयर वैल्यू रिजर्व। उसके बताते हैं आपके टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को शामिल किया गया है। तो मेन ये अगर लगता है कि आपको मैं डिटेल में बताऊँ तो कॉमेंट ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मैंने आपको अच्छे से समझाया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और कमेंट में ये भी बताएं कि मैं किन टॉपिक्स पर और वीडियोस लेकर के आऊँ, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सेंटेंसेस में जो आप कमेंट्स करते हैं या कोई आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से पूरी करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।